सुबास को जाओगे तुम अपने बाबुल को जिंदा नहीं पाओगे, तुम अपने बाबुल को जिंदा नहीं पाओगे। लीजिए भाइयों, ये गजल आ रही है आपके समक्ष ललिता माधव शास्त्री जी नगवाई वालों की आवाज में मधुबन कैसेट कंपनी के माध्यम से। ये गजल उस समय की है जिस समय महाराज दशरथ से जब रानी केकई ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया तो महाराज दशरथ पछाड़े खा रहे हैं, राम को अपने पास बुलाया है और छाती से लगा के रोने लगे। पुत्र श्री राम सुनो बेटा, वनवास को जाओगे तुम अपने बाबुल को जिंदा नहीं पाओगे। और बोले बेटा तेरी के कई माता ने वरदान में मांग लिया, 14 वर्षी तुमको वनवासी बना दिया, 14 वर्षी तुमको वनवासी बना दिया। और बोले हैं बेटा मैंने क्या क्या सोचा था लेकिन क्या हो गया, मैंने दिल में सोचा तू राजा बन जाए फिर मेरी प्रजा को तू खुशी के बादल बरसाए। मैंने ये सोचा था तू राजा बन जाए फिर मेरी प्रजा पर तू खुशी के बादल बरसाए। और बोले हैं
अपने बाबुल को जिंदा नहीं पाओगे, तुम अपने बाबुल को जिंदा नहीं पाओगे। अपने बाबुल को जिंदा नहीं पाओगे, तुम अपने बाबुल को जिंदा नहीं पाओगे। और सोच रहे हैं महाराज बेटा मैंने बहुत कुछ सोचा, लेकिन प्रतापन में देखा चार चांद खिले घर में, फिर ये नहीं सोचा था दुखी होंगे महलन में। बेटा प्रतापन में सोचा चार चांद खिले घर में, फिर ये नहीं सोचा था दुखी होंगे महलन में। बेटा अपनी मैया को धीर कैसे बंधाओगे, कौसल्या के दिल को, कौसल्या के दिल को कैसे समझाओगे, तुम अपने बाबुल को जिंदा नहीं पाओगे, तुम अपने बाबुल को जिंदा नहीं पाओगे। और बोले हैं बेटा राम, मेरे राम लखन दोनों क्यों सोच करो मन में, मेरी सीता बेटी को दुखी मत देना बन में, मेरी सीता बेटी को दुख मत देना बन में। महाराज दशरथ ने जब सुमंत से कहा था कि सुमंत तुम राम लक्ष्मण सीता को वन में थोड़ी दूर तक घुमा करके वापस अयोध्या ले आना, तो मेरे भैया ऐसा ही नहीं है। बोले हैं महाराज बेटा ये मेरी पुत्री जैसी सीता, इसको दुख मत देना। मेरे राम लखन दोनों क्यों सोच करो मन में,
मेरी सीता बेटी को दुख मत देना पन्नो में। अपने बाबुल को जिंदा नहीं पाओगे, तुम अपने बाबुल को जिंदा नहीं पाओगे। बनवास को जाओगे तुम अपने बाबुल को जिंदा नहीं पाओगे। और कहना है गुरु प्रेम पाल जी की जब हाय कर से कलम चले, सुन गजल लेखनी को दुश्मन के दिल भी जले, सुन गजल लेखनी को दुश्मन के दिल भी जले। गुरु प्रेम पाल जी की जब पर से कलम चले, सुन गजल लेखनी को दुश्मन के दिल भी जले, सुन गजल लेखनी को दुश्मन के दिल भी जले। और कहना है अपने बाबुल को जिंदा नहीं पाओगे, तुम अपने बाबुल को जिंदा नहीं पाओगे। अपने बाबुल को जिंदा नहीं पाओगे, तुम अपने बाबुल